आज लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है। आज इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सरदार साहब को देता हूं। आज़ादी के तुरंत बाद देश को सैकड़ों रियासतों में बांटने का एक षड्यंत्र हुआ था और इस षड्यंत्र से देश को बचाने का काम, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने का काम सरदार साहब ने अगर न किया होता तो आज देश का स्वरूप जो हमारे सामने है वो न होता। उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद एक लोहा जैसे इरादे से देश को एक करा और देश को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान किया। मैं मानता हूँ कि सरदार साहब की प्रासंगिकता आज भी इतनी ही है और उनके जाने के बाद जो रिक्तता खड़ी हुई है वो आज भी भर पाना मुश्किल है। आज के दिन उनके जीवन से, उनके सिद्धांतों से, उनकी जो कृति है उससे हम सब लोग प्रेरणा प्राप्त कर कर देश को एकजुट रखने में सफल हो और देश को आगे बढ़ाने में सफल हो, यही अभ्यर्थना है। और आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं सरदार साहब की स्मृति में एक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद।